दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच पांचवा टेस्ट मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका से पिछले मैच में मिली हार का बदला लेने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने यहां जीत लिया है पांचवे टेस्ट मैच का टॉस। हो चुका है मुकाबला शुरू। आखिरकार क्या उतरी है भारत की प्लेइंग 11 टीम? कौन पहुंच गया है बल्लेबाज शतक के करीब? क्या चल रहा है भारत का स्कोर? सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम पांचवा टेस्ट मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं, और दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में हमेशा से श्रीलंका की टीम ने भारतीय टीम पर अपना दबदबा बनाकर रखा है। और जब भी मुकाबले श्रीलंका में खेले जाते हैं, वहां जाकर न जाने भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी प्रदर्शन वैसा देखने के लिए नहीं मिलता जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब दोस्तों, पांचवे टेस्ट मुकाबले का बेसब्री से इंतजार पूरा भारत देश कर रहा था, और दोस्तों आखिरकार अब यह मुकाबला शुरू हो चुका है। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच अगर आप भी पांचवा टेस्ट मैच लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर यह मुकाबला दिखाया जा रहा है, और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा ऐप पर दिखाई जा रही है, जहां आप सभी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अनेक भाषाओं में इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो। हालांकि दोस्तों, इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बस यही फोकस है कि पिछले टेस्ट मैच में मिली शर्मनाक हार का बदला अब श्रीलंका की टीम से लिया जाए और श्रीलंका की टीम का सुपड़ा साफ किया जाए। वहीं दोस्तों, आपको हम बता दें कि भारतीय टीम ने पिछले ही मुकाबले में खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर मुकाबले को अपने हाथों से गवा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है नई खिलाड़ियों के साथ वापसी करके श्रीलंका की टीम को हराने की। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच पांचवा मुकाबला कोलंबो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां यह मुकाबला शाम के वक्त से शुरू होने जा रहा है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए मुकाबले के बारे में तो दोस्तों आपको हम बताते चलें कि यहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला चुन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा बखूबी जानते हैं कि कोलंबो स्थित मैदान बल्लेबाजों के लिए ज्यादा कारगर साबित होता है, और पिछले मैच में बल्लेबाजी का फैसला बिल्कुल भले गलत साबित हुआ था, लेकिन इस मुकाबले में बल्लेबाजी के इस फैसले को बिल्कुल सही साबित करने की कोशिश भारतीय कप्तान की रहेगी। हालांकि दोस्तों, इस मुकाबले को जीतना भारतीय टीम के लिए इतना आसान इस बार होने नहीं वाला है। वहीं अगर बात की जाए प्लेइंग 11 टीमों के बारे में तो दोस्तों आपको हम भारत की प्लेइंग 11 टीम पहले बता देते हैं, जो कि आप सभी को खेलते हुए नजर आने वाली है। जी हां दोस्तों, यहां पर टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, तो उनके साथ अब पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल करते हुए हम सभी को नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें मध्यम क्रम के बारे में तो दोस्तों मध्यम क्रम में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की भूमिका शुभमन गिल को दी गई है, तो वहीं विराट कोहली टीम इंडिया का हिस्सा बने हुए हैं। पांचवे नंबर पर केएल राहुल, ऋषभ पंत को मौका दिया गया है। वहीं दोस्तों टीम इंडिया में अब रविंद्र जडेजा की भी वापसी हो चुकी है। हालांकि दोस्तों यहां पर अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया गया है, तो वहीं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव भी टीम इंडिया का हिस्सा बने हुए हैं। वहीं बात करें अगर श्रीलंका की टीम के बारे में तो दोस्तों श्रीलंका की टीम ने अभी तक अपनी प्लेइंग 11 टीम जो बनाई है उसमें निशान मधुशंका, दिमुत करुणारत्ने पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं फिर पथुम निशंका, एंजेलो मैथ्यूस, दिनेश चांदीमल, धनंजय डी सिल्वा कप्तानी कर रहे हैं, तो वहीं कमिंदु मेंडिस, मिलन रत्नायके, प्रभात जयसूर्य, लहिरू कुमारा और असिता फर्नेंडो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यही है भारत और श्रीलंका की प्लेइंग 11 टीमें। बाकी अब आप सभी को क्या लगता है कि कौन सी टीम यह पांचवा टेस्ट मैच जीतने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाइएगा। मिलेंगे अगली ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।